वॉचिंग अग्रिम की दुनिया। सो आप सबने नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम तो देखी होगी, मैंने भी देखी, और मुझे कसम से भाई कोरियन मूवी सीरीज मम्मा और मुझे बहुत पसंद है यार, ये भी बहुत पसंद है मुझे और मैंने फुल देखी है वो। मैं यहाँ तक ये भी देख रहा हूँ कि इससे पूरी दुनिया ऑब्सेस्ड है, यहाँ तक कि जो मिस्टर बीस्ट है वो अब तक 2 मिलियन तक रीच कर गए हैं, कि मतलब जो वो सेट बना रहे हैं स्क्विड गेम का और असली वो स्क्विड गेम होस्ट करेंगे वो। भाई मैं भाई बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे तो। मैंने ये देखा कि जब भी मेंबर्स को ये गेम खेल के आते थे उनको प्रोटीन के लिए खाने के लिए उनको खाना सोडा आलू राइस कुछ भी ऐसे दे देते थे, और एक राउंड में तो उसके पीछे मारपीट भी हो गई थी कि हमको मिला नहीं। तो आज मैं वही ट्राई करने वाला हूँ खाने का, और सो लेट्स स्टार्ट यार। देखो हम इंडिया में रहते हैं, कोरिया में तो नहीं, तो कुछ चीजें इंडिया में थी नहीं थी, इंडिया में तो हो गई, मैं क्या बोलूँ, हाँ तो यहाँ पे थी कुछ चीजें नहीं थी, कुछ मैंने घर पे बनाई है खुद, मैंने नहीं बनाई मम्मा ने बनाई है, मुझे कुकिंग नहीं आती, बस मुझे पास्ता बनाना और नींबू पानी बनाना आता है। आज अब देखते हैं हमारा फर्स्ट मील। जब जो प्लेयर्स थे वो रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल के आए थे, तो उनको एक टिफिन बॉक्स में राइस एग किमची और कुछ क्रीम साग जैसा कुछ मिला था, तो हमने साग भी डाल दिया। मैंने मम्मा को ये बताया और मम्मा ने परफेक्टली डन वही बना दिया। किमची हमने खरीदी है, अगर आपको भी खरीदना है तो आप अमेजोन वगैरह पर खरीद सकते हो, और गैलेक्सी मुझे नीचे परेशान कर रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि वो भी एक्साइटेड है। तो लेट्स ट्राई दिस। ओके आप कैमरा ऑन कर सकते हो, मैं खा के मिलता हूँ आपको अभी। ओके गाइस लेट्स ट्राई दिस। किमची के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, और कोरिया में जो फैट कम करने के लिए जो ये होता है ना, ये फाइबर टाइप से भी होता है तो निकालने के लिए ये भी खाते हैं साथ में। और ब्रो दैट वाज सो कूल यार। अब हम जाएंगे अपनी, और अगर आपने किमची ट्राई नहीं किया तो डू ट्राई इट। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट फूड पे। हाँ तो अब नेक्स्ट गेम के लिए जब वो जा रहे थे उनको ये दिया था स्वीट बन और मिल्क। तो देखो मेरे पास स्वीट बम तो बम अभी रेडी तो है नहीं, तो मैंने लिया चोकोबार, तो अब इसको खोलते हैं। हाँ किसी भी मीठी चीज के साथ दूध अच्छा ही लगता है, तो ट्राई करता हूँ। नाइस। और इस जब ये टाइम था ना उसे हमें एक हिंट भी मिली थी कि जो ओल्ड मैन था वो शायद से गिहोन का पापा भी हो सकता है। बोल रहा था कि जो ओल्ड मैन है वो गिहोन का पापा भी हो सकता है, जब गिहोन ने बोला था कि मुझे नॉर्मल मिल्क से थोड़ी उल्टी उल्टी, उसको चॉकलेट मिल्क पसंद है, तो ओल्ड मैन ने भी ये बोला था कि मेरे बेटे को भी चॉकलेट मिल्क पसंद था, तुम्हें तो बहुत थप्पड़ पड़े होंगे, और उसने बोला हाँ आपको कैसे पता। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जीहून का पापा ही तो नहीं है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ल्ड पे। हाँ तो जब वो थक हार के गेम खेल के आधे लोगों को मरवा के आते हैं, तब उनको मिलता है एक बॉइल्ड एग और एक सोडा, जिसके पीछे मार पिटाई भी हो जाती है क्योंकि क्योंकि वो जो उसका ग्रुप होता है वो दूसरी बार लाइन में चले जाते हैं, वो भी लाइन तोड़ के, और बाकी 5 लोगों को खाना मिलता ही नहीं है। नाइस। और उसके पीछे मार पिटाई भी हो जाती है और उसमें एक बंदा बेचारा मर जाता है। तो अगर आपने स्क्विड गेम नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, देखो। तो ये ट्राई करते हैं। तो मैंने एक तो खा लिया है पूरा। तो अब देखते हैं उसके बाद सोडा कैसा लगता है। खोलो। मेंटोस नहीं कर रहे हम। लेट्स गो। फील्स काइंड ऑफ नॉर्मल, पता नहीं क्या कैसा कॉम्बिनेशन है।
तो अब हम ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अंडा सोडा ढूंढ रहे थे। सो जब वो टग ऑफ वॉर खेल के आते हैं तब उनको होता है एक कॉर्न और एक वाटर बॉटल। सो पहले कॉर्न खाते हैं। सॉल्टेड कॉर्न और पानी पीता हूँ। स्टेडी हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेटेड गाइस, नहीं डिहाइड्रेटेड नहीं। सो ये भी नॉर्मल ही था बस, ये तो वही नॉर्मल सा कॉर्न है जो हम कहीं जाते हैं तो खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं तो वो जो कॉर्न बेच रहे होते हैं, ये वैसे ही टेस्ट था। मतलब पिछले वाले से बेकार नहीं था, अंडे सोडे से बेटर है बॉइल्ड कॉर्न। सो जब वो मार्बल्स वाली गेम खेल के आते हैं तब वो उनको एक तो पानी की बॉटल वापस और एक बॉइल्ड पोटैटो दिया जाता है विथ छिलका। क्यों क्यों, मे भी वहाँ पे ऐसे ही खाते होंगे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। तो अब या चाकू लो छीलता हूँ या फिर उंगलियों से ही। हाँ सो मैंने थोड़ा सा छील दिया, अब खाते हैं बॉइल्ड पोटैटो। सही में पानी के, पानी चाहिए मुझे भाई, पानी भाई। ये इंडियन सब्जी मेरी ठीक है ऐसे तो भाई, नहीं मैं कभी नहीं खाने वाला हूँ वापस। ये भी कोरिया में खाते होंगे फिट रहने के लिए, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। पानी चाहिए होगा मुझे और ये वॉश डाउन करने के लिए सारा टेस्ट। हाँ तो जब सेब योक जी हुन और सांगू लास्ट गेम खेल के आते हैं तो उनको एक फाइनल मील मिलता है जो रॉयल रॉयल मील होता है। उनको सूट बूट पहना के ऐसे फोक देते हैं और हाँ सारी यूटेंस तो हाँ। सो इस मील के साथ उन्होंने बहुत सारी साइड डिशेस भी दी थी, पर मैंने सोचा कि मेन चीज पे ही फोकस करते हैं। सो ये रहा अपना मटन लैम। वाह, सो हमने इसको थोड़ा सा ग्रिल करके इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डाला और ब्रो इट इज अमेजिंग यार, फाइनल मील के लिए बिल्कुल ओपी अच्छा है ब्रो। तभी इस पेटीएम में उनको लास्ट में ये गिरा था, सबको पता नहीं मैं ये एंजॉय करता हूँ और आपको मिलता हूँ। नाइस, ओके सो मैं तो ये खाता ही रहूंगा। सो अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, शायद से वो भी कोरियन फूड पे हो सकती है। सब या दैट वाज प्रीटी मच इट। अगर आपने स्क्विड गेम नहीं देखी देखो, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉयड, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय थारा। और आज थारा भाई जोगिंदर का नया डिस्ट्रैक्ट भी लॉन्च हुआ है, मत सुनना। अब वो ऐसे छपरी यूट्यूबर, तूने वीडियो कैसे डाली, ऐसे ना करने लग जाए। तो मैं आपसे बाद मिलता हूँ, बाय बाय।